हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीषा कुकिंग क्लासेस। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन मोमोज। ये मोमोज मैंने थोड़ा अलग स्टाइल में बनाया है, जहां मैंने मटन के साथ साथ बंधा गोभी का भी इस्तेमाल किया है। हालांकि मटन मोमोज बनाने के लिए मटन कीमा का इस्तेमाल किया जाता है, और ये मोमोज बनाने के लिए मैंने मोमोज बनाने वाला बर्तन का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यहाँ मैंने 3 कप मैदा लिया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो घी, मक्खन या फिर कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों के द्वारा हम मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक डो बनाएंगे। याद रखें, डो ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सख्त भी नहीं। अब थोड़ा सा हम ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और थोड़ा सा फैला देंगे इस तरह से। अब इसको करीब हम 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर में ढक कर रखेंगे। स्टफिंग के लिए यहाँ मैंने बंधा गोभी को ग्रेट कर लिया है, 100 ग्राम मटन लिया है, मटन को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मटन को हम फ्राई करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। आप चाहे तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे, 1/2 कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, और इसको करीब 30 सेकेंड के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। अब हम मटन को इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो मटन कीमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको करीब 3 से 4 मिनट के लिए आपको लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद अब इसमें हम 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे, और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक ना ये अच्छे से पक जाए। देखिए, मटन जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा गोभी को भी भून लेंगे। उसी तेल में हम प्याज डालेंगे। यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, और कुछ चॉप्ड किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन लिया है, और इसको करीब 30 सेकेंड के लिए लो फ्लेम में हम हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद अब इसमें हम ग्रेट किया हुआ जो बंधा गोभी है वो डाल देंगे। याद रखें, गोभी को ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 30 सेकेंड के लिए हम इसे हल्का फ्राई कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालें और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और इसको करीब 30 सेकेंड के लिए हम लो फ्लेम में भून लेंगे। ये भूनना हो चुका है। अब जो फ्राई किया हुआ मटन था वो उसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। तो हमारा स्टफिंग जो है वो रेडी है। देखिए, अब उसी कढ़ाई में हम पानी गरम करेंगे मोमो को स्टीम करने के लिए। अब हम स्टफिंग को फिल करेंगे। देखिए, शीट जो है वो इतना ही पतला होना चाहिए। अब इसमें हम स्टफिंग ऐड करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको बिल्कुल ऐसा ही शेप देना है, आपका जैसा मन आप दे सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आप किस किस तरह से मोमोज को फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपको चिकन मोमोज रेसिपी का लिंक चाहिए तो ऊपर आई बटन में क्लिक करें, वहाँ आपको मिल जाएगा। और हमेशा डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सिर्फ वेजिटेबल से भी स्टफिंग बना सकते हैं, प्रोसेस एक ही रहेगा। मोमोज जो है वो फोल्ड हो चुका है। अब इसको हम स्टीम करेंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब इसके ऊपर हम एक जालीदार थाली रख देंगे, और थाली के ऊपर हल्का सा तेल ऐसे स्प्रेड कर देंगे, ताकि मोमोज चिपके ना थाली से, और मोमोज को थाली के ऊपर रख देंगे। अब इसे हम करीब ढक कर 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। 20 मिनट बाद मोमोज जो है वो रेडी है। अब इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। इसे आप चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।